आ जा बेटी, आ जा बेटी, बेटी बेटी बेटी। पिताजी आप बुलाइए भी, आप भी ना। ओफो बेटी बेटी, कहीं भी शुरू हो जाते पिताजी आप भी। बेटी 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 बोला, मेरे गले में इतनी आवाज नहीं है। पिताजी आप, अरे आप तो मुझे सरप्राइज कर दिए मुझे। आप आ गए पिताजी। ठीक है ठीक है। बेटी कैसी है तू? अब मैं अच्छी हूँ। अब पिताजी जब आप आए थे तो मुझे फोन कर दिया होता। ओ बेटी बेटी बेटी, मैंने फोन पिताजी बस कीजिए। अरे मैं तुझसे तो मिली नहीं, आ जा। कैसी है तू? पहले पिताजी से फिर ही बोलो। मेरी याद नहीं आई तुझे? मुझे कहाँ याद आती है। अरे जब तो तूने मुझे फोन नहीं किया ना। बेटी बेटी बेटी, मेरी बात सुन बेटी। अब पिताजी बोलिए। पिताजी मेरी बात सुनो। पिताजी फ्रेश नहीं हुए थे क्या? हमारा चूरन लिया। पिताजी से फ्रेश होने की बात कर रही हो? मुंह से कम पीछे से ज्यादा बोलते हैं। मजे मजे ले रही है, मेरी मजाक बना रही है बेटी बेटी। अरे मजाक नहीं, सही कह रही हूँ पिताजी। अरे आप बाहर क्यों खड़े हैं? अंदर आइए ना। मैं चलता हूँ। आइए बाहर ही करके आना पिताजी। चलिए बेटी 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 बेटी। पिताजी हाँ आपकी तबीयत ठीक नहीं है क्या? नहीं बेटी तबीयत तो ठीक है, बस मुझे भूख लग रही है थोड़े। पिताजी आप रसगुल्ले खिला देते। हाँ, कोई बात नहीं, मैं पिताजी को यहाँ दवाई दिला दूंगी। दवाई? हाँ बेटी, मैं तो परेशान हूँ। कोई है नहीं क्या घर में? पूरा खाली है। अरे है नहीं है, क्यों नहीं है? अभी बुलाती हूँ। चाचा जी। चाचा? हाँ चाचा चाचा। अरे चाचा जी है उनके, आपके दामाद के चाचा जी। मेरे दामाद के चाचा जी? चाचा जी। अरे भाई कौन? ये नामाकुल फिर आ गया। नामाकुल किसे बोला भाई? नहीं नहीं आपको नहीं बोल रहे थे। तुम तो दूर ही रह रहा। इधर आओ। नहीं थोड़ा गले नहीं मिलोगे? नहीं थोड़ा दूर रह के बात करेंगे। बेटी 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 बेटी, ये कैसी कैसी तकियानुशी बात है। अरे चाचा जी बहू, ये थोड़ा दूर रह के बात करेंगे। नहीं तो पास में तो खड़े हो सकते हैं, ऐसे कौन से मेरे पिताजी काटने लग रहे हैं जो आप ऐसे करते हो। बेटी जी पिताजी। और बता बेटी। बहू ये बताओ जी, ये मुंह से कम पीछे से ज्यादा बात करते हैं। वो पिताजी की पता नहीं क्यों पेट खराब हो गया है। अरे मियां तुम्हारी क्या ये बचपन की आदत है? बचपन की नहीं, बचपन की आदत है। आज जब से पिताजी 55 साल के हुए तभी से पता नहीं इनको क्या एसिडिटी होने लगी। बेटी बेटी बेटी, मैंने अपना चूरन लेला स्टार्ट तो कर दिया है, देवराज का हमराज चूरन। लेकिन 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 तुम यहाँ कैसे पधारे? हमारे घर में चूरन की बात? दामाद जी जी आप मुंह से ही बोल लिया करी। ये लगेगा गले। एक दिन ऐसा होगा तुम्हारी सांस निकल जाएगी। वैसे एक बात बताओ चाचा जी, आपको ये पादने की बीमारी 55 साल से है, जब आपकी 55 उम्र थी, अब 65 के आसपास होगी। देखो बेटा पाद मारना जरूरी होता है क्योंकि इससे जो है गैस बाहर निकलती है। बाहर निकलती? मुझे तो लग गया कि किसी दिन तू ही ना निकल जावे। एक बात है ससुर जी, आप ऐसा कर लिया कीजिए, एक बार चेक कर लीजिए कहीं छींटे के साथ ना आ गई हो। नहीं छींटे के साथ नहीं आती, सीधे खुशबू के साथ आती है। अच्छा आपकी इस खुशबू का इलाज है मेरे पास। क्या कहो तो आपको हामिद हामिद वैद जी से मिलवा दूं, सलीम जी से मिलवा दूं, बहुत अच्छे एकदम। हाँ, एक नंबर का पेट का हर तरीके का इलाज है उनके पास। तुम्हें जो बीमारी 55 से है ना जी, बहुत जल्दी सही कर देंगे। हाँ जी मैं नहीं जाऊंगा उनके पास, उन्होंने तो पिछली बार ऐसी मुझे दवाई दी कि मेरा तो एक साल तक पाद ही नहीं आया। फिर उसके बाद क्या आया? उसके बाद पूरा पाद के साथ बम का गोला आया, स्वाद आया। इन सब बातों को छोड़िए, ऐसा करो खाएंगे क्या आप? बाप की बातों पे खाएंगे क्या? आपकी बातों पे। अरे बहू आपके पादों पे। अरे मेरी बात तो सुन ले बहू जी, जब तक तेरे पिताजी यहाँ पे हैं जी, जो बाहर हमारे लॉन में फूलों के गमले रखे हैं, वो सब है ना वहीं बैठा, वो सब उठा के कमरे में रखवा दे। हम कुत्तों के पास सोएंगे 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 जरूर सोएंगे, कुत्तों के पास ही सोएंगे। ऐसी बातें कर रहे हैं? अरे मजाक कर रहा हूँ बेटी, ये देख कैसी खाएंगे क्या आप? जब से आए मेरे पिताजी को परेशान करे जा रहे सब सब। खाएंगे सब। क्या आप? मैं खाऊंगा पोहे। पोहे पिताजी? पोहे नहीं, पोहा। पोहा एसिडिटी बन जाएगी, चावल का बनता है पोहा। पोहा खाके तो सारा घर सड़ा देगा, पोहा खाके धुआं निकालेगा ये। मैं आपके लिए, आपकी कमर में दर्द हो रहा था ना, मेरी कमर, मेथी के लड्डू बनाऊंगी मैं आपके लिए। लेकिन एक मुसीबत है। क्या बेटा मुसीबत?
अब किससे बनाऊंगी मैं पिताजी के लिए मेहंदी के लड्डू? गैस खत्म हो गई। अरे गैस खत्म हो गई तो तेरा ये पिता है तो सही, सारा सिलेंडर भर देगा। हाँ हाँ, किलो दो किलो पांच किलो तो आ ही जाएगी। पिताजी मुझे ये आपकी तबीयत सही नहीं है, मैं डॉक्टर के दिखा के लाऊं आपको। नहीं नहीं, ऐसा करो आप बाथरूम में जाके फ्रेश। देखिए मेरी बात सुनिए, बात बताइए पिताजी। हाँ, आपने आलू के पराठे खाए थे? आलू के पराठे खाए थे? तुम्हें कैसे पता? मुझे कैसे पता है कि आपने यहाँ का माहौल खराब कर रखा है। सुबह स्टेशन पे ही तो खिलाए थे बेटी ने, और पराठों की आ रही है अभी। पराठे क्यों खिला के लाई थी? अब क्या खिलाते, कुछ था ही नहीं। तुम भी कुछ खा लेती, कुछ कंपनी मिल जाती इनको, साथ में मैच्योरिटी बन जाती, साथ साथ पालते हुए आते। आप भी कैसी बातें करते हैं, कैसी बातें करते हैं, क्या पादना पादना लगा रखा है। अब जो इंसान है ऐसा, आप उसके पीछे। अरे हम यहीं खड़े रहोगे कि कुछ खाने पीने का इंतजाम भी करोगे? बेटी मेरे पास से जलन है ना, मैं पालता हूँ, जलन है ना। जलन नहीं, किसी दिन अगर किसी ने माचिस की तिल्ली दिखा दी तो आग ही लग जानी है पिताजी। आइए चाचा जी, हमें काम भी है, अंदर ले जाओ। सही तो कह रहे, किसी ने अगर माचिस दिखा दी ना तो पूरा अंतरिक्ष छू जाओगे। अरे मुझे पता है तू ढेर की पक्ष लेगी, क्योंकि तू उसकी बेबी है। मैं तो चलता हूँ अपने अंदर आराम करने। पिताजी। ओ दीदी, ये तो अच्छा हुआ। आज तो पता क्या होता, मुझे तो लग रहा था कि आज पिताजी पूरी ट्रेन को ही खिला देंगे। हाँ? सब भाग जाएंगे वहां से। भाग जाएंगे और क्या? क्या रिजर्वेशन से नहीं आएंगे तुम लोग? नहीं दीदी नहीं। फिर? ओ दीदी, ये तो अच्छा हुआ कि रिजर्वेशन नहीं हुआ। और नहीं तो मिल जाता ना। हाँ। तो दो तीन सीटें वैसे ही खाली हो जाती। वैसी खाली हो जाती मतलब? और क्या। अरे दीदी ये तो अच्छा हुआ टिकट कंफर्म नहीं हुआ था। अच्छा हुआ? हाँ। अरे टिकट कंफर्म नहीं हुआ, अच्छा हुआ, ये ऐसी बातें कर रही तू। लेकिन फिर आई कैसे? आई कैसे, पिताजी ने पात मार मार के जगह कर दी। अच्छा, यानी कि माहौल गंदा कर दिया। माहौल गंदा कर दिया, खुद पे खुद उठ के चले गए, खुद पे खुद भाग गए थे, इसलिए मैं जगह मिल गई। वैसे ये तो कहीं तक सही है, अगर सीट ना मिले तो फ्री में बैठ के आओ आराम से, पिताजी को ले जाओ, है क्या? नहीं अच्छा चल कोई बात नहीं। अच्छा ये बता तेरी पढ़ाई कैसी चल रही है? पढ़ाई तो अच्छी चल रही है दीदी। अच्छा चल अंदर चल, आ जा देखे कर क्या है अंदर। अरे भाई समझी, तू बाद में मिली हो पहले वो कर लियो। अरे समधी, समधी। तुम्हारी यही समस्या का समाधान लेकर आया हूँ। समधी? कैसा समाधान? समाधान ये पुड़िया चूरन। पुड़िया, 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 पुड़िया। इसे खा दे और ये जो तुम्हारी समस्या है ना, चुटकी में हल हो जाएगी। चुटकी में? हाँ, गांव का माना हुआ वैद है, उसे लेकर आया हूँ। अब कहीं ऐसा ना हो कि जितनी समस्या और है उससे ज्यादा दोगुनी चुटकी और लग जाए। ऐसा हो जाए तो चुटकी में फिर पानी पानी हो जाए ना। ऐसा ना, तू इतनी आसानी से ना मरेगा संदे। हाँ। देखो मैं बताऊँ तुम्हें, मैं करता हूँ बहुत तुम्हारी इज्जत मेरी। और देखो तुम्हें एक बात बताऊँ कि ये पादने की बीमारी मुझे 55 साल की उम्र से हुई है। हाँ वो तो पता है, पता है ना तुम्हें, लेकिन ये सब लोग पता नहीं हंसी मजाक समझते। बे भाई कभी तो मान जाया कर। हाँ नहीं नहीं, अब ऐसा करता हूँ कि अब मैं तुम्हारी इस दवाई का प्रयोग करता हूँ। हाँ। और फिर उसके बाद में तुम्हें इसका हल बताता हूँ। हाँ। कैसा हुआ? ठीक है जा, खा ले पानी से, खा ले गर्म पानी से। मैं ये कहता हूँ मेरी बेटी कहाँ है? दोनों बेटी तेरी दोनों है, जा तू गर्म पानी से खा ले। बेटी को भेजी? हाँ, हाँ भेज रहा हूँ, भेज रहा। जा जा वो आपस में बातें कर रही है। जाके चूरन खा ले और खा के लोटा लेके खेत में बैठा रही हो। ससुर जी, ससुर जी, ससुर जी, ससुर जी, मेरी नकल उतार रहे हो तमाची। बंदर थोड़ी हूं मैं, बंदर उतारते नकल तो। क्या हो गया? पानी क्यों मंगाया था आपने? पानी मंगाया था मैंने। क्यों? मुझे पुड़िया खानी थी। पुड़िया? नशा करने लगे आप क्या? चरस गांजे की पुड़िया तो नहीं? मैं चरस गांजा नहीं, आप जलील हो, कर सकते हो। माहौल तो खराब कर ही रहे हो। किस चीज की दवाई है ये? तुम्हारे चाचा जी ने मुझे दी थी। चाचा जी ने? पलट भी नहीं। आराम मिला? आराम मिलेगा, आराम। मेरे मुंह पे क्यों मार रहे हैं इसे? हाँ मेरी बेटी कहाँ है? बेटी आपकी किचन में लगी हुई है। आपने वो बनवाए थे ना मूंग की दाल के पकौड़े? मूंग की दाल के पकौड़े? भेजो बेटी को। फिर मूंग की दाल के पकौड़े आप पचा तो लेंगी ना? क्या हुआ, हुआ क्या? मेरी बेटी कहाँ है? बेटी आपकी पकौड़े बना रही मूंग की दाल के। मुझे पोहे बनवाने थे बेटी से। पोहे बनवा देंगे? पोहे 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 पोहे। वैसे क्या हुआ?
क्या हुआ ससुर जी? ससुर जी क्या हुआ? ससुर जी, ससुर जी आखिर हुआ क्या? अब मैं इससे आगे कुछ कह नहीं पाऊंगा। लीकेज हो गया, लीकेज हो गया, आपकी पैंट खराब हो गई है ससुर जी। मैं चलता हूं। बेटी, 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 बेटी। अरे कहां से? तुम्हारे पास ही आ रही थी। ये गेस्ट रूम वाला जो वॉशरूम है इतना गंदा और पीला क्यों पड़ा हुआ है? हल्दी वल्दी फैला दी है क्या वहां पे? चींटी हो गई थी सर। बताता हूँ क्या फैला दिया। इधर आओ। हल्दी नहीं, फिर तुम्हारे बाप ने मल्दी फैला दी है वहाँ। मल्दी मतलब कि जो पाद मारते हैं ना वो। सुन तो लो, मेरे साथ बात कर रहे थे। हाँ। चाचा जी ने उन्हें कोई दवाई दी। हाँ। और पाद के साथ साथ उनकी वो भी निकल गई। पिताजी तुम मेरे लिए इतना काम क्यों बढ़ा देते हो? काम तो बढ़ाया, पीछे अपना पैंट भी खराब कर लिया है पूरा। शायद हो सकता है वो तुम्हें धोना भी पड़े। मैं? और क्या, दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? और क्या मैं दूंगा? पिता तुम्हारा है, मूंग की दाल के पकौड़े खिलाओ, ढोकला खिलाओ और पोहा खिलाओ, तो सब पोहा तुम्हें ही साफ करना पड़ेगा ना वहां से। ठीक है ठीक है, वो पड़ोस में जो हमारी आती है काम वाली उससे बोल देंगे, वो कर जाएगी, एक दिन के पैसे ले जाएगी। हाँ हाँ, पेट पे पैसे आ रहे हैं क्या? हाँ जाओ कुछ बना लो, जाओ खाने को। ताना मत दो। तुम्हारे पिताजी की डिमांड आई है भाई। हाँ तो बनाऊंगी, तुम्हें क्यों जलवा? तुम्हारे पिताजी की डिमांड आई है पोहा साथ पनीर के पकौड़े। जाओ, पनीर के नहीं शाही पनीर की सब्जी बनानी है अभी। हाँ, मुझे जाओ। शाही और इस गवार को कैसे समझाऊं, पनीर और शाही पनीर एक ही होता है, बस खोआ डालने की देर होती है। चाचा जी, चाचा जी। अरे भतीजे कैसे परेशान हो रहे हैं? परेशान मैं नहीं हो रहा चाचा जी, ये बताइए कि आपने उस खड़ूस बुड्ढे को क्या दे दिया? खड़ूस बुड्ढे पूरे घर में? मैंने उसे जमाल घोटा दे दिया। जमाल घोटा? पहले ही माहौल खराब था, अब आप घर को भी खराब करना चाहते हैं क्या? अरे जब से आया है, जब से सारे घर का वातावरण खराब कर दिया। तो फिर जमाल गोटा देने की क्या जरूरत? जमाल गोटा देंगे इसलिए थी कि लोटा लेके खेत में पड़ा रहेगा। खेत में कहा, घर गंदा करता फिर रहा है, बाथरूम सारे सड़ा दिए, सारे बाथरूम पीले करके फेंक दिए, ऐसा लग रहा है हल्दी मार दिए पूरे बाथरूम में। अरे जमाल गोटा पूरा खा गया क्या? मुझे तो ऐसा ही लगता है। अरे भाई अब क्या किया जाए? क्या क्या जाएगा, अब तो देखा जाएगा कि होगा क्या, भगवान जाने। हमारी जिंदगी में तो ये विपत्ति आई पड़ी है। खैर फिलहाल आप चलिए मेरे साथ, मेरा दिमाग खराब हो रहा है, कुछ अच्छा सोचने का मन कर रहा है। एक पैक मारूंगा मैं पहले। चला दो एक एक क्वार्टर मार कर। बेटी 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 बेटी। पिताजी। बेटी ले ऐसे धो दे। अरे धो दे, ये पैंट क्यों उतार रखी है? अरे बेटी ये तुझे पता है, ले ये देख। जी पिताजी आप कपड़ों में? इसे धो दे। मैं नहीं धोंगी इसे। अरे धो रही है। अरे पागल, मैंने धो दिए लेकिन इसके दाग नहीं गए, ले सूं के देख ले। नहीं पिताजी दूर रखिए इसे। बेटी धो दे, बेटी दे। पिताजी मैं जहां जाती हूँ ना वहीं बेइज्जती करा देते आप मेरी। बेटी धो दे, मेरे पास कुछ नहीं पहनने के लिए, दे ये मैंने पहन रखा है, तू समझा कर धो दे। धो दे बेटी, ले बेटी धो दे। पिताजी आप एक काम करिए, यहाँ से चलिए, नहीं तो मेरी यहाँ इतनी बेइज्जती होगी कि शायद मैं सहन नहीं कर पाऊंगी। बेटी ये कैसी बातें करती है, मेरी बड़ी बेटी का है। बैठी बैठी बड़ी बेटी। पिताजी ये कौन सा डांस है? आप ठीक है? पिताजी आपकी पैंट कहाँ है? बेटी मेरी पैंट? हाँ मेरी पैंट में ना। अच्छा ऐसे करते हुए अच्छा कुछ ज्यादा ही निकल गई थी, उसके साथ पूरा माहौल खराब हो गया बेटी। इसका मतलब वो गेस्ट रूम वाला जो वॉशरूम आप ही ने गंदा किया था? हाँ बेटी, क्योंकि मेरे जो दस्त थे वो बंद नहीं हो रहे थे। पिताजी अब जब भी आते हैं आप, तुम्हें पता है ये इनके चाचा और ये मुझे कितने वो ताना देते हैं। कौन दे रहा तुझे ताना? वही बता... आपके दामाद जी। अच्छा और क्या दामाद? वो तो मैं इनको दबा के रखती हूँ, इसीलिए लोग मुझसे कुछ कह नहीं पाते हैं। काहे से क्या, अपनी बातों से। अरे आपकी तबीयत कैसी है? मुझे पता है तुमने ही मेरी तबीयत खराब करी है। मैंने? ये बेटी इन्होंने मुझे चूर्ण दिया। बहू चूर्ण? मैंने उस राठी वो है ना जो अपना हकीम, उसे चूर्ण ला के दिया था। और मैंने मैंने सुना पूरा घर खराब करने पे तुले पड़े। मैं?
अरे तुम्हारे चूरन की वजह से वो पूरा घर खराब हुआ है बेटे, इन्होंने चूरन मुझे लाके दिया। चाचा जी आपने कौन सा चूरन दिया था पिताजी को? तुम्हारी पेंट कहाँ गई? चूरन 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 चूरन। ओह पिताजी रिलैक्स। ये पेंट उतार के ये क्या बांध लिया? मेरी पेंट में ना। पेंट में क्या हो गया? खान बनकर जी मेरी पेंट में ना बहुत बड़ा विस्फोट हो गया था। छी 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 पिताजी ये बात आप क्यों बता रहे हैं? अब जो हो गया सो हो गया, जरूरी है कि खास सारी खूबियां आज ही बता के जाओगे अपनी? अब कहो तो दूसरी पुड़िया ला दूं? अब मुझे किसी पुड़िया की जरूरत नहीं है, मैं आज की आज अपनी रेल से अपनी बेटी को साथ लेकर के यही रवाना। अरे क्या कह रहे हो, कुछ दिन रुक के जाओ। ये डिसीजन आपने बहुत अच्छा लिया। बिल्कुल नहीं। हैं? अरे कुछ दिन रुक के जाओ। ठीक है मैं चलता हूँ। ठीक है मुझे देखिए चल बेटी मेरे पैर कब कब आ रहे। हाँ बिल्कुल। अरे बिल्कुल बाहर तक छोड़ के आते हैं। पिताजी बस करिए। अब पिताजी मैं तो चाहती थी कि आप थोड़े दिन और रुक जाएं, लेकिन नहीं बेटी अब मुझे ना अपनी फसलें भी देखनी है। ओह तुझे पता है ना कितनी खेती बाड़ी है तेरे बाप पे। हाँ पिताजी मैं आऊंगी। ठीक है बिल्कुल बेटा। कुछ दिनों के लिए आऊंगी मैं रहने के लिए। कुछ दिनों के लिए यहाँ रही थी मैं जो रही थी रहने तो आई 10 दिन के लिए, लेकिन 2-3 दिन भी मुश्किल से रुकने दिया। 1 साल के लिए रहने आना। तो एक काम करना तू रुक जा, लेकिन पिताजी का ध्यान कौन रखेगा? बिल्कुल सही बात है। नहीं तो चल बसेंगे अगर नहीं रहूंगी तो। कैसी बातें करती है और क्या बेटी बेटी। सही तो कहा, जहाँ जाती हूँ वही बेइज्जती कराते हैं मेरी। अरे अब गुस्सा छोड़ना, देख है तो अपने पिताजी ना, तुझे पता माँ तो है नहीं, अब जो भी है यही है। यही बहुत बढ़िया बेटी है। पिताजी आई मिस यू। बेटी मुझे याद आती है तेरी बहुत। अच्छा तो मैं चलूं पिताजी आपके साथ? अच्छा ले चलो। ठीक है अच्छा पिताजी नमस्ते। चलिए ठीक है सपना ध्यान रखना अपना। ठीक है बाय। ठीक है दीदी चलती बाय। और पिताजी का ध्यान रखियो। ठीक है ठीक है बाय दीदी।